तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग, स्वागत करता हूँ हमारी एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू हेल्थ केयर सॉल्यूशंस आईपीओ के जीएमपी अपडेट्स के बारे में, साथ ही इसके लिस्टिंग गेन के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि कितना सब्सक्रिप्शन स्टेटस हमें इसमें देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में आपको पूरी जानकारी देखने को मिलेगी, तो वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी इसकी मत करना। चैनल पर न तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियोस लाते रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरव्यू हेल्थ केयर सॉल्यूशन आईपीओ के जीएमपी अपडेट्स के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है 9 तारीख को इसकी ओपनिंग डेट थी। तो ओपनिंग डेट के दिन 65 रुपए की इसकी हमें जीएमपी देखने को मिली है। आईपीओ प्राइस इसकी 1258 रुपए की, देख सकते हैं कि मतलब बहुत ही इसकी हाई प्राइस हमें देखने को मिलती है 1258 रुपए, और जीएमपीआर सिर्फ 65 रुपए की हमें देखने को मिली है। 7 तारीख की बात करो तो 125 रुपए इसकी जीएमपी देखने को मिली थी, लेकिन ओपनिंग डेट के दिन इसकी जीएमपी हमें थोड़ी डाउन देखने को मिली है। हो सकता है कि आने समय वो भी डाउन देखने को मिले। आईपीओ प्राइस 1258 की, जीएमपी बहुत ही कम देखने को मिली है। एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस की बात करें तो सिर्फ 1323 रुपए का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस देखने को मिलता है, और 5% का हमें लिस्टिंग गेन देखने को मिलता है। और यह हो सकता है कि लिस्टिंग गेन के दिन हमें सिर्फ 2-3% का इसका लिस्टिंग गेन देखने को मिले। तो यार, ये तो हमें लिस्टिंग डेट के दिन ही पता चलेगा। आगे हम बात करते हैं सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बारे में, कि कितने लोगों ने इसको जो सब्सक्राइब किया है। तो सब्सक्रिप्शन स्टेटस यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम थोड़ा क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन स्टेटस में यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरव्यू हेल्थ केयर सॉल्यूशन आईपीओ लाइव सब्सक्रिप्शन, मतलब ये जिस टाइम पर वीडियो बना रहा उस टाइम का लाइव अभी सब्सक्रिप्शन स्टेटस अभी मैं आपको देखना हो रहा है। पर आप जैसे आईपीओ बैटिंग लाइव डेट्स फ्रॉम बीएससी, एक मेन बोर्ड आईपीओ है, मतलब बीएससी प्लस एनएससी, मतलब कि ये मेन बोर्ड आईपीओ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 जनवरी का भी सब्सक्रिप्शन स्टेटस हम देखने वाले हैं। तो केआईबी यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स में जो 0.00x मतलब टाइम से लोगों ने सब्सक्राइब किया, मतलब कि अभी तक किसी ने भी इसमें सब्सक्राइब नहीं किया है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी एनएनआई में 0.04 टाइम्स लोगों ने सब्सक्राइब किया है। एसएनआई में 0.08 टाइम्स देखने को मिल सकता है। BNNI में यहाँ पर आप देख सकते 0.03 टाइम्स हमें देखने को मिलता है। और यार, सबसे मेन हम बात करते हैं रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर की, यहाँ पर आप देख सकते कि पूरा एक टाइम भी हमें देखने को नहीं मिला, इसमें भी जो 0.32 टाइम्स हमें देखने को मिला है सब्सक्रिप्शन स्टेटस। EMP में 0.36 देखने को मिला है। टोटल की बात करें तो 0.09 टाइम्स हमें देखने को मिला है। तो यार, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर के हिसाब से हम देखें तो यार, हर एक बंदे को इसका आईपीओ मिलने के चांस हमें देखने को मिलते हैं। और यार, मतलब इसके जो आईपीओ के चांस हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, मतलब कि लगभग जो सभी को इसका आईपीओ में मिलने को देखने को मिल सकते हैं, मतलब कि जो जो भी इसके आईपीओ में अप्लाई कर रहा है सभी को इसका लगभग सभी को इसका आईपीओ मिल सकता है। तो ये थे इसके जीएमपी अपडेट्स और सब्सक्रिप्शन स्टेटस। आगे आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।